तो गाइज आ गए मैं एक और स्मार्ट वॉच की वीडियो लेके और आज की जो स्मार्ट वॉच की वीडियो है हमारे लिए नहीं है एक्चुअली वो बच्चों की स्मार्ट वॉच है और ये है नॉइस की तरफ से नॉइस स्काउट और ये जो स्मार्ट वॉच है बच्चों के लिए है अराउंड सिक्स टू ट्वेल्व इयर्स के ओल्ड बच्चों के लिए और स्टोर में देखेंगे कैसी है स्मार्ट वॉच और कैसी है फीचर्स जो किड्स की स्मार्ट वॉच है तो आई अच्छा, थिंक इसके जो फीचर्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे तो देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और यहाँ पर है इसका बॉक्स और बॉक्स पर देख सकते हैं हम इसकी पिक्चर और एक्चुअली ये बच्चों की स्मार्ट वॉच है तो थोड़ा सा इसका डिजाइन है वो थोड़ा किडिश है और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके कुछ फीचर्स वो है लोकेशन ट्रैकिंग सेफ जोन फेंसिंग सेलुलर कॉलिंग तो गाइज तो इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं मिलता है इसके अंदर सेलुलर कॉलिंग मिलता है तो इसके अंदर जो सिम सपोर्ट है वो इसमें मिलता है आपको और यहाँ पर हम इसके कुछ और फीचर देख सकते हैं वो है आई पी सिक्सटी इन बिल्ट कैमरा तो गाइज इस वॉच में कैमरा भी है विच इज वेरी गुड देन इसकी जो डिस्प्ले है वो है वन पॉइंट फोर इंच की टी एफ टी टच स्क्रीन अपू थ्री डेज ऑफ बैटरी लाइफ अलार्म एंड रिमाइंडर्स स्कूल मोड इन बिल्ड गेम्स Emergency SOS एस और पीछे की साइड हम देख सकते हैं इसकी आप, वो है Noise Buddy आप, और जो कलर है वो है रेसिंग और अपार्ट रेसिंग है, एक और कलर में अवेलेबल है, है पर्पल और नाइन है, है है, है तो जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्सिंग कॉन्टेंट तो सबसे पहले मिल जाती है इसकी यूजर गाइड और यहाँ पर कुछ थीम में यूजर गाइड आपको दी गई है और फिर मिल जाते हैं हमें इसके हमारी स्मार्ट वॉच नॉइस स्काउट और गाइज एक्चुअल में ये जो किड स्मार्ट वॉच है तो इसका जो डिजाइन है वो काफी किडिश है बट आई थिंक बच्चों के हिसाब से ये डिजाइन मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इवन जो कलर है ना ये रेसिंग ब्लैक मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो ये लगता है इसको साइड वर्ड देखते हैं बॉक्स में, में और क्या मिलता है तो बॉक्स में मिल जाता है हमें आई थिंक इसका चार्जर थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल वाला जो चार्जर होता है इनकी केबल उस थोड़ा डिफरेंट है और इसका जो ये जो चार्जिंग का पॉइंट है थोड़ा मोटा सा है तो ये थे बॉक्स के कॉन्टेंट अब जल्दी से देख लेते हैं वॉच को तो गाइज ये है नॉइस की न्यू स्मार्ट वॉच फॉर किड्स और ये इसका नाम है नॉइस स्काउट और अभी जो चीज सबसे अच्छी मुझे लग रही है जो इसका स्ट्रैप है उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है सिलिकन स्ट्रैप है इसमें पर जो स्ट्रैप की क्वालिटी है वो काफी सॉफ्ट है तो किड्स को ध्यान देके इसकी आई थिंक क्वालिटी काफी अच्छी करी गई है बिकॉज स्ट्रैप की क्वालिटी अगर सॉफ्ट होगी तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगी इसे पहनने में एंड यहाँ जो इसका डिजाइन दिख रहा है जो मल्टी कलर डिजाइन है इसमें रेड और ब्लैक बात करें अगर इसकी ओवरव्यू की तो जल्दी से रैप

और इस साइड एक यहाँ पे एक माइक है तो जो कॉलिंग के लिए माइक फ्रंट में दिया गया है एंड यहाँ पर इसका जो सिम का स्लॉट है आ, वो है ये जिसे हम थोड़ी देर में चेक कर लेंगे एंड पीछे की साइड यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके चार्जिंग पॉइंट और कोई भी सेंसर नहीं है तो उसमें हार्ट रेट एस ये सब चीज़ नहीं होगी और बच्चों के हिसाब से आई थिंक थोड़े जो सेंसर हैं कुछ लोग पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते तो वैसे भी हेल्थ ट्रैकिंग की फीचर मुझे लगता है बच्चों के लिए ज़्यादा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है इनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो ये जो वॉच होगी उस में काफी चीज़ में काफ़ी अच्छी होगी मुझे लगता है काम करेगी तो ओवरऑल अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है मेटल uh, की बॉडी नहीं है हालांकि ये प्लास्टिक बॉडी है और हल्की है काफ़ी तो बच्चों के हिसाब से मुझे लगता है इनको प्रॉब्लम नहीं होगी और इसका जो वेट है वो है फोर्टी फाइव तो ज़्यादा भारी भी नहीं है और इसके जो आई थिंक प्रोटेक्शन है वो काफ़ी अच्छी दी गई है ऊपर भी तो स्क्रीन टूटने का चांस भी नहीं है इसमें ज्यादा तो ऑन करने से पहले हम देख लेते हैं इसका सिम स्लॉट वो कैसा है सिम स्लॉट तो यहाँ से हमें सिम स्लॉट बाहर आ गया है और ये कुछ ऐसा सिम स्लॉट है इसके अंदर तो ये जो वॉच है वो नैनो सिम सपोर्ट करती है और इसमें कोई भी 4G सिम काम करेगी हालांकि मुझे ये नहीं आइडिया कि इसमें वॉल्टी जियो का काम करेगा नहीं करेगा तो वो हम आगे चेक कर लेंगे तो अभी जल्दी से कर लेते हैं इसको ऑन और देखते हैं वॉच के फीचर्स तो ये हो गई हमारी वॉच ऑन और अभी हम इसके फीचर एक्सेस कर सकते हैं बट पूरे के पूरे फीचर्स देखने के लिए मैं इसको पहले तो इसमें सिम भी डाल दूंगा और इसकी जो ऐप है नॉइज बडी उससे इसको पेयर कर लेंगे तो ऐप हमने डाउनलोड कर लिया और ऐप का नाम है नॉइज बडी और ये जो वॉच है नॉइज की तरफ से पहली स्मार्ट वॉच नहीं है नॉइज ने इससे पहले चैम्प एंड चैम टू निकाली थी और ये थर्ड किट स्मार्ट वॉच है जो नॉइज ने लॉन्च करी है तो ऐप में कर लिया हमने लॉग और यहां पर हमें एड करना होगा प्लस का आइकॉन सो यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट दी गई है मेक श्योर यू आर रेडी टू गो सिम कार्ड एक्टिवेट होनी चाहिए और उसमें कोई प्लान

बिकॉज़ ये जो क्यू क्यूआर कोड अगर आप किसी को दिखाओगे तो कोई भी इससे इसको अपने फोन से अटैच कर सकता है क्यू कोड स्कैन करने के बाद आपको यहां पर अपने किड की इंफॉर्मेशन डालनी होगी तो यहां पर इसको एक बार हम टेस्ट करके डाल देते हैं टेस्ट किड की एज आठ साल है और वॉच का जो नंबर है आपको वो डालना होगा तो यहाँ पर मैं इसको छुपा के एक बार डाल देता हूँ तो उसके बाद आपको अपना रिलेशनशिप बताना होगा कि आपका जो स्केट से क्या रिलेशनशिप है तो डैड है मॉम है ग्रैंड पा ग्रैंड मा अंकल आंट तो ये आप चूज कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आ, अंकल चूज कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमने अपनी वॉच को एड कर लिया है आपके साथ जो होम पेज है इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर जो वॉच का नेम है जो केड से यूज कर रहा है उसका नेम तो फिलहाल आई थिंक नेटवर्क अब ऊपर 4G HD लिखा आ गया है अगर 4G HD लिखा रहा है तो इसके अंदर वोल्टी सपोर्ट है विच इज वेरी गुड तो कोई भी आपकी सिम एयरटेल हो जियो हो वो वोल्टी सपोर्ट इसमें करेगी यहां पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर नेटवर्क के बार्स भी आ चुके हैं तो दो बार मुझे दिख रहे हैं तो मेरे यहाँ जो थोड़ा एयरटेल का नेटवर्क है वो काफी है, कुछ खास नहीं आता बट स्टिल यहाँ पर दो बार आ रहे हैं और यहाँ पर फोर जी एच डी दिखा रहा है तो वॉच होगी हमारी सेटअप आप जल्दी से देख लेते हैं इसका ओवरव्यू और देखते हैं कैसे हैं क्या क्या है वॉच के फीचर्स तो ये है इसका वॉच फेस तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो बेजल्स हैं इसके थोड़े से थिक बेजल्स हैं एंड बच्चों के हिसाब से जो बनाई गई है तो कोई राउंड स्क्रीन या कर्व स्क्रीन नहीं दी गई ताकि वो इजिली टूटे ना और यहाँ पर आपको फ्लैट स्क्रीन का डिज़ाइन दिया जाता है और ये इसका वॉच फेस है और वॉच फेस को लॉन्ग प्रेस करते हैं आप कुछ बदल सकते हो और ये कुछ डिफरेंट uh, वॉचवेसिस इसमें अवेलेबल हैं एंड आई थिंक इसकी जो ऐप है उससे भी इसमें और वॉचवेसिस आप ऐड कर सकते हो जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे और स्वाइप डाउन करने मिल जाएंगे आपको इसकी क्विक सेटिंग्स सो यहाँ पर आप नेटवर्क का स्टेटस देख सकते हो फोर जी एच डी देख सकते हो बैटरी स्टेटस देख सकते हो यहाँ पर है ब्राइटनेस स्पीकर एंड सेटिंग्स तो जो ब्राइटनेस है अभी वो हाफ हाफ uh, से थोड़ी कम सेट है तो इसको मैं यही रखूंगा एंड तो आई थिंक जो ब्राइटनेस है इसकी काफी अच्छी है आउटडोर इंडोर दोनों के लिए वो काम अच्छी करेगी एंड देन यहाँ पर है इसकी स्पीकर की वॉल्यूम जो कि आप अपने एडजस्ट कर सकते हो तो सेल्फ अप करने मिल जाएंगे आपको स्टेप काउंट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपके गोल्स हैं टेन थाउजेंड स्टेप्स के उसमें कितने आपने रीच किया है और आईम नॉट श्योर इसकी एक्यूरेसी कैसी होगी बिकॉज मैंने भी इस वॉक को ओपन किया और अभी थर्टी थ्री स्टेप्स दिखा रहा है और स्वाइप uh, लेफ्ट करने मिल जाएगा इसका मेन्यू सबसे पहले एंड देन है चैट तो यहाँ पर जो सेंड मैसेज का ऑप्शन है वो है है अंकल तो जो भी, I mean, जो भी आई मीन किड वो अपने पेरेंट uh, को यहां से एक वॉइस नोट भेज सकता है एंड दैट इज वेरी गुड एंड अपू फिफ्टीन का जिसमें वॉइस नोट भेज सकता है आफ्टर दैट यहाँ पर है कॉल तो यहां पर जो भी एडमिन होगा जो भी पेरेंट होगा जिसने एक वॉच सेटअप करी होगी तो उससे ये किड डायरेक्टली uh, बात कर सकता है कॉल uh, के बाद जो ऑप्शन है वो है कैमरा और यहाँ पर जो इसका कैमरा है वो आप देख सकते हो एंड गाइस ये जो कैमरा की क्वालिटी है ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है एंड आई थिंक वॉच के हिसाब से जो कैमरा की क्वालिटी है वो ठीक ठाक सी है मैं एक बार आपको फोटो दिखा देता हूँ कुछ ऐसी क्लिक हुई है फोटो एंड नॉट बैड वॉच के हिसाब से जो कैमरा क्वालिटी मुझे मुझे ठीक ठाक सी लगी एटलीस्ट बेटर है उस किड्स कैमरा से जो कुछ दिन मैंने पहले आपको दिखाया था और जो मुझे लगता है ये वीजीए कैमरा नहीं है एटलीस्ट इसमें 1.3 मेगापिक्सल कैमरा होगा फोटो खींचने के बाद जो किड है वो अपने यहाँ से अपने पेरेंट को एक फोटो डायरेक्ट शेयर कर सकता है तो फोटो शेयर करते ही देख सकते हो आप यहां पे जो मैसेज का एक बॉक्स है के अंदर वो यहां पर फोटो आ गई है एंड फोटो कुछ ऐसी है तो गैलरी में एक और ऑप्शन है वो है यहाँ पर कॉर्नर में एक प्लस का आइकॉन बना हुआ है और अगर आप इसे प्लस दबा देंगे तो ये आपका सीधा वॉच फेस बन जाएगा विच इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन कैमरा के बाद जो ऑप्शन है वो है डायल पैड का एंड आई थिंक यहाँ से नया नंबर डायल हो सकता है Services rest तो आई एम काइंड ऑफ बिकॉज इसमें डायल पैड भी दिया गया है एंड किड्स uh, की वॉच है तो मुझे लगता है इसमें डायल पैड का ऑप्शन डिसेबल कर देना चाहिए इसमें ये डायल पैड का ऑप्शन होना नहीं चाहिए और डायल पैड अगर होगा भी तो वही वहीं पर डायल करना चाहिए जो नंबर इसमें आप, आप अप्रूव करें वो नंबर मुझे लगता है कि वो ही नंबर्स पर किड्स किड कॉल कर सके तो बेटर होगा और रही बात इसकी कॉल क्वालिटी की और इसकी जो स्पीकर की तो मैंने भी नोटिस किया कि जो इसकी स्पीकर की क्वालिटी है वो डिसेंट है तो डायल पैड के बाद जो ऑप्शन है वो है स्टॉप वॉच का और ये एक रेगुलर स्टॉप वॉच है एंड देन यहाँ पर है कैलकुलेटर विच इज़ गुड फॉर किड्स एंड देन हमारे पास है कैलेंडर तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है एंड देन यहाँ है एल्बम तो जो भी आप फोटो क्लिक करते हो वो अपनी एल्बम में आप चेक कर सकते हो एंड आफ्टर दैट वी हैव अ टाइमर एंड ये कुछ प्रीसेट टाइमर्स यहाँ पर दिए गए हैं एंड uh, टाइमर के बाद यहाँ पर गेम्स तो यहाँ पर कुछ uh, तीन गेम दी गई हैं गेस गेम आई साइड गेम एंड टू जीरो फोर एट तो ये जो गेम है वो है रॉक पेपर सीजर और uh, ये भी ड्रॉ हो गया है एंड uh, मैं जीत गया हूँ विच इज़ गुड और बाकी जो गेम है वो है आई साइड की तो ये जो तीन वाली होती है जो नॉर्मल एक बॉल छुपाते हैं यूजली आपको स्ट्रीट पर जो तो मेजिशन करते हैं वो वाली ये गेम है एंड uh, तो ये देखो ये काफ़ी सिंपल था एंड उसके बाद जो टू जीरो फोर एट है ये तो गेम नॉर्मल आजकल स्मार्ट वॉच मुझे दिखी रही है तो गेम्स के बाद जो ऑप्शन है वो है फ्लैश लाइट का और ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है किड्स के लिए सो तो ये थे इस वॉच के फीचर्स एंड फीचर वाइज में बोल सकता हूँ कि जो अभी स्मार्ट वॉच के जो फीचर्स हैं फॉर किड्स ये काफी अच्छे हैं एसेंशियल फीचर्स इसमें दिख रहे हैं कोई भी कोई भी हेल्थ ट्रैकिंग फीचर नहीं है और बाकी जो फीचर्स है इस वॉच के मुझे काफी अच्छे लगे और किड्स के हिसाब से मुझे लगता है वॉच काफी अच्छी है एक जो कंसर्न मैंने आपको पहले बताया कि जो इसमें डायल पैड है वो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए और नॉइस को आई थिंक इसे डिसेबल कर देना चाहिए बिकॉज डायल पैड होने की वजह से किट कोई भी नंबर डायल कर सकता है विच इज अगेन नॉट सिक्योर एंड सेफ फॉर किड्स जल्दी से देख लेते हैं इसकी ऐप को और ऐप पर भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो एक्चुअली पेरेंट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और काफी अच्छे फीचर्स हैं तो देख लेते हैं इसकी ऐप को तो ये है ऐप का इंटरफेस और सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हो बैटरी का स्टेटस और यहाँ पर जो अप्रॉक्सिमेट लोकेशन आपको यहाँ दिख रही है एंड और ये भी दिख जाती है कि जो लास्ट लोकेशन है वो कब अपडेट हुई और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक ट्रैक का ऑप्शन मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा और यहाँ ट्रैक करोगे तो इसमें आप जो भी आपका जो किड है कहाँ कहाँ वॉच इसको पहन के गया वो सारी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड वेरी गुड फीचर इन दिस वॉच एंड बाकी जो इसमें ऑप्शन है वो लोकेशन हिस्ट्री का है वो भी जो सेम ट्रैकिंग मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन uh, है कुछ जो भी आपको नोटिफिकेशन आएंगी वो सीधा यहाँ पर आ जाएंगी एंड देन कॉल का ऑप्शन है तो जो कॉलिंग का ऑप्शन है वो दो कॉलिंग का ऑप्शन देख गए हैं एक है वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल तो जो वॉइस कॉल है वो नॉर्मल कॉल की तरह आएगी एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉल है वो आ रही है मेरे वॉच पे और आप जल्दी से चेक कर लेते हैं इसकी वीडियो कॉल तो वीडियो कॉल कैसी आती है एंड यहाँ पर मैंने वीडियो कॉल कर दी गई है और इधर आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल आ रही है तो फॉर सम रीज़न वीडियो कॉल करते ही ये बंद हो गया है एंड यहाँ पर भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा तो एक बार इसको ऑफ कर देते हैं दोबारा से वीडियो कॉल करते हैं एंड अगेन ये ऐप क्रैश हो गई है वीडियो कॉल तो मैं टेस्ट नहीं कर पाया बिकॉज ये काम नहीं कर रहा है और बार बार ये ऐप है जो क्रैश हो रही है बाकी जो इसमें ऑप्शन है वो है मैसेज का तो मैसेज के अंदर आपके पास ऑप्शन है जैसे ये जो मैसेज है अपनी वॉच से भेजा था और यहाँ पर आप मैसेज या तो टाइप कर सकते हो तो मैं अगर यहाँ पे हेलो लिख के भेजूँ और चेक करूँ कि ये मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा वॉच पे और यहाँ पर आ गया है मैसेज लिखा आ गया वन न्यू मैसेज और इधर देख सकते हैं हम हेलो आ रहा है दिस इज अ टेस्ट वॉइस नोट एंड वी आर चेकिंग द साउंड क्वालिटी ऑफ द माइक तो यहां पर हमने एक वॉइस नोट भेज दिया और चेक करते हैं कब आता है वॉइस नोट हमारे फोन पे एंड ये आ गया वॉइस नोट इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं उंट so, का, तो तो अच्छा का और यहाँ पर आप स्टेप काउंट देख सकते हो टू डेज का और अगैन वन ट्वेंटी सेवन स्टेप काउंट दिखा रहा है तो मुझे लगता है की जिसका स्टेप काउंट का जो ट्रेकर है पेडोमीटर uh, का जो ट्रैकर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा और कुछ फॉल्स डेटा इसमें दिख रहा है ही नहीं सकते फीचर्स के बाद यहाँ पर हमारे पास है इसकी कुछ से और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कनेक्टिव डिवाइस है वो और यहाँ पर है वॉच फेसेस और इधर आप एक कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो इसमें एज अ फोटो एल्बम और टेक अ पिक्चर सो दो ऑप्शन है आपके पास कस्टम वॉच फेस लगाने का आप अपनी वॉच से भी लगा सकते हो और अपनी ऐप से भी लगा सकते हो और इसके बाद इसमें कुछ क्लाउड बेस्ड वॉचेस भी मिलते हैं और ये कुछ इसके ऑप्शन हैं एंड जो ऑप्शन है वो बच्चों के हिसाब से ही हैं तो थोड़े केडिश वॉच फेसेस हैं एंड आई थिंक फोर्टी फिफ्टी के करीब इसमें वॉच फेसेस मुझे लग रहे हैं एंड नॉट बैड ऑप्शंस उसके बाद यहाँ पर आपके पास कुछ और ऑप्शन है वो है सेट सेफ जोन तो सेट सेव जोन से जो आप कर सकते हो कि अपने बच्चे के लिए आप एक सेव जोन इसमें मैप में आप डिफाइन कर सकते हो तो जैसे ही आपका बच्चा वो वॉच पहन के अगर वो बाहर जाता है उस सेफ जोन से तो आपको अपनी ऐप आप पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड जो नोटिफिकेशन है उसमें आप ये चेक कर सकते हो आप तो स्कूल डिफाइन कर सकते हो और एक फैमिली का भी डिफाइन कर सकते हो तो सेफ जोन के बारे में जो एक ऑप्शन है वो है स्कूल मोड का और स्कूल मोड के अंदर आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही इसमें टाइमिंग है आप सेट कर सकते हो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम तो स्कूल मोड में ये जो वॉच है इसके

अलार्म है प्ले टाइम होमवर्क टाइम वेकअप टाइम ब्रश टीथ ब्रेकफास्ट टाइम लंच टाइम डिनर टाइम तो जो सारे, के सारे जो अलार्म है बच्चों की एक्टिविटीज को ध्यान देते हुए दिए गए हैं तो ये काफी अच्छे ऑप्शन है अलार्म के और अगर कोई भी आप अलार्म इसमें ऑन करते हो तो यहाँ पर आप सेट टाइम रिपीट भी कर सकते हो उसको तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है बाकी जो इसमें ऑप्शन है वो है शेयर्ड फोटोज तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी फोटोज आपने शेयर करी हैं अपनी वॉच से तो ये थे इस किड स्मार्ट वॉच एंड इस ऐप के फीचर्स और फीचर वाइज में बोल सकता हूँ मुझे काफी अच्छी लगी ये स्मार्ट वॉच स्पेशली फॉर किड्स उनको बहुत मजा आएगा ये स्मार्ट वॉच यूज करके एंड आपको भी एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि आप भी अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड फील करेंगे आपको ये दिमाग में रहेगा कि कभी भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आपको वो ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकता है कोई मैसेज भेज सकता है आप उसको चेक कर सकते हो उसकी कॉल हिस्ट्री और उसकी लोकेशन हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो कि कहाँ कहा जा रहा है उसकी पूरी लोकेशन को आप ट्रैक कर सकते हो सो फॉर पीस ऑफ माइंड ये वॉच मुझे काफी अच्छी लगी और अगर आपकी फैमिली में कोई किड है छह से बारह साल के बीच में तो मुझे लगता है ये वॉच उनके लिए काफी अच्छी है तो काफी अच्छी है स्मार्ट वॉच हालांकि एक दो प्रॉब्लम मुझे इसमें लगी एंड पहला प्रॉब्लम मुझे लगा कि इसमें जो डायल पैड है वो इनेबल है वो नहीं होना चाहिए और दूसरा वीडियो कॉलिंग का फीचर अभी काम नहीं कर रहा है जो आई थिंक नॉइज ईजिली इसको फिक्स कर सकता है उसकी आपको और अगर बात करें इसकी बैटरी बैकअप की तो जो बैटरी बैकअप है इसका तो अराउंड टू टू थ्री डेज मिल जाएगा इजिली आपको जिसमें सेम लगता है तो आई थिंक इसकी वजह से इसका बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है तो ओवरऑल स्मार्ट वॉच मुझे काफी अच्छी लगी और अगर आपकी फैमिली में कोई किड्स है और बच्चे हैं तो मुझे लगता है उनके लिए स्मार्ट वॉच काफी अच्छी और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा ये स्मार्ट वॉच और अगर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाई